हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मैप्स के बारे में। मानचित्र के जो टॉपिक हैं उन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी, विश्व के खनिज संसाधन देखे थे, जो विश्व में खनिज संसाधन पाए जाते हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज बात करेंगे विश्व कृषि व मत्स्य पालन। विश्व में जो कृषि क्षेत्र हैं और मत्स्य पालन है उनके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है? तो सबसे पहले एक बार हम लोग मैप्स देख लेते हैं। ये मैप्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको अंदाजा हो जाएगा, और फिर जब बताया जाए कि गेहूँ यहाँ होती है, मक्का यहाँ होता है, तो आपको अंदाजा बना रहे। ये आपका एशिया है, हो गया, ठीक है? जिसमें आपका भारत हो गया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की है आपका, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, देख ही लिया, मंगोलिया, रूस। यहाँ कुछ तीन चार देश ऐसे भी हैं, तुर्की, रूस, कि ये यूरोप में भी आते हैं और एशिया में भी आते हैं, ठीक है? यहाँ मंगोलिया, चीन, दक्षिण कोरिया, यही उत्तर कोरिया है, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया देख लिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये आपका यूरोप है, यूक्रेन, रोमानिया, ग्रीस, इटली, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ठीक है? ये सभी देश हैं आपकी यूरोप की। यही आपका ये है अफ्रीका पूरा, ठीक है? नाइजीरिया, नाइजर, चाड, लीबिया, अल्जीरिया, दक्षिण अफ्रीका तक, ठीक है? मेडागास्कर यहाँ है, मोजाम्बिक, सोमालिया, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग पराग्वे, चिली, बोलीविया, ब्राजील, इक्वाडोर, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, ये आपका ऊपर उत्तरी अमेरिका, ठीक है? कनाडा, मैक्सिको, नहीं आपकी मैक्सिको की खाड़ी होगी। तो ये था आपका एक मोटा मोटा मैप्स के बारे में, ठीक है? बात करें हम लोग गेहूं की फसल के बारे में। तो जो आपको एक काला काला क्षेत्र दिख रहा है, ये आपका गेहूं प्रदेश क्षेत्र है, जहाँ गेहूँ उपजाया जाता है, ठीक है? ये हो गया अफ्रीका के नीचे, हो गया, ठीक है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ये सभी आपका गेहूँ उत्पादक क्षेत्र है। गेहूँ के बारे में आप लोगों को बताएं तो गेहूँ विश्व में सबसे अधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल है। शीत कटिबंधों से लेकर उष्ण कटिबंध तक गेहूँ की कृषि की जाती है। शीत कटिबंध में ग्रीष्मकाल में वसंतकालीन गेहूं के रूप में उगाया जाता है, तथा उष्ण कटिबंध में या शीतकाल में शीतकालीन गेहूं के रूप में उगाया जाता है। विश्व के किसी न किसी क्षेत्र में गेहूं की बुआई और कटाई वर्ष भर चलती रहती है। उत्पादकता कटिबंध तो शीतोष्ण व उप उष्ण कटिबंध दोनों में पाया जाता है, उत्पादन होता है इसका। तापमान, इसके लिए गेहूं के लिए तापमान की बात करें तो ग्रीष्मकालीन गेहूं 20 डिग्री से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और शीतकालीन गेहूं 10 सेंटीग्रेड से 15 सेंटीग्रेड तक तापमान की आवश्यकता होती है। बरसात की बात करें तो 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा इसका उत्पादन होता है। मिट्टी की बात करें तो दोमट मिट्टी, भारी दोमट, हल्की चिकनी व काली मिट्टी इसके लिए अच्छी होती है, ठीक? खाद की बात करें तो नाइट्रोजन, अमोनिया, सल्फेट आदि। गेहूं के प्रमुख उत्पादक देशों की बात करें हम लोग तो चीन, ये आपका चीन हो गया। चीन उत्तरी भाग में विशाल मैदान, हांग हो घाटी, यांग्टी सी सीक्यांग, मैकांग नदियों की घाटियां आदि में गेहूं आपका उत्पादन होता है। भारत में ये आपका उत्तर प्रदेश, ये आपका भारत, ठीक है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा,
बिहार, राजस्थान, गुजरात के उत्तरी भाग में प्रमुख उत्पादन होता है इसका। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, ये आ गए हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो वसंतकालीन पेटी में पेरिज के उत्तरी भाग में डेकोटा, मोंटाना, मिनी सोटा तथा शीतकालीन पेटी में कंसास, ओक्लाहोम, नेब्रास्का, टेक्सास, ओहियो, एलिनोइस, इंडियाना, मिसौरी क्षेत्र, कोलंबिया पठार क्षेत्र, कैलिफोर्निया प्रमुख गेहूं क्षेत्र हैं। और अब स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल की बात करें तो काला सागर के उत्तर में यूक्रेन प्रदेश, यहाँ यूक्रेन प्रदेश तथा साइबेरिया के स्टेपीज प्रदेश तथा कैस्पियन सागर तथा काला सागर के मध्य भाग तथा पूर्व के क्षेत्र में भी आपका गेहूं का उत्पादन होता है। गेहूं के बाद अब हम लोग बात करें चावल की। किसकी? चावल। तो ये है आपके चावल उत्पादक क्षेत्र, ठीक है, जो काले काले रंग में दिख रहा है ना, यही है आपके चावल उत्पादक क्षेत्र। चावल एशिया की सर्वप्रथम खाद्य फसल है, इसी कारण एशियाई संस्कृति को चावल संस्कृति भी कहा जाता है। एशियाई संस्कृति को चावल संस्कृति भी कहते हैं। चावल उष्ण आर्द्र जलवायु का प्रमुख फसल है, जिसकी कृषि सबसे अधिक मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है। उत्पादन की बात करें तो उत्पादक कटिबंध की उष्ण आर्द्र कटिबंध मानसूनी क्षेत्रों में, जिसके लिए तापमान की आवश्यकता होती है 20 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक, वर्षा की आवश्यकता होती है 150 से 200 सेंटीमीटर, और जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ सिंचाई के द्वारा इसका उत्पादन होता है। मिट्टी की आवश्यकता बात करें मिट्टी के बारे में, तो चिकनी, गहरी चिकनी और चिकनी दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। उत्पादक चावल उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो चीन, या पश्चिम चीन में आपका दक्षिणी विभाग मध्य चीन में सिक्यांग, यांग, यांगटी, सिक्यांग नदियों की घाटी व डेल्टा तथा जेजवान क्षेत्र। भारत की बात करें तो पश्चिम बंगाल, यहाँ आपका पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान अन्य प्रमुख उत्पादन राज्य। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया में आपका जावा, बोर्नियो, सेलिविज, सुमात्रा, बांग्लादेश में, ये है आपका यही भारत के पास बंगला, ठीक है। भारत की सबसे ज्यादा सीमा लगती है आपकी बांग्लादेश से, याद रखना है। यहाँ खुलना, जेसोर, ढाका, मैमनसिंह, नारायणगंज आदि उत्पादक क्षेत्र। बात करें इसके बाद हम लोग, ये देखते रहिए जहां भी आपके काले काले क्षेत्र दिख रहे हैं या आपके चावल उत्पादक क्षेत्र हैं। अब हम विश्व के प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र, यह मूलतः अमेरिका की फसल है। कहाँ की? अमेरिका की मक्का। विश्व के प्रमुख खाद्यान्नों में से मक्का तीसरी प्रमुख अनाजी फसल है। इसकी कृषि समशीतोष्ण कटिबंध में अधिक होती है, उष्ण कटिबंध में मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। प्रमुख उत्पादक देशों की बात करें उनके क्षेत्रों की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें मक्का की पेटी का विस्तार मध्य ओहियो से मध्य नेब्रास्का तथा दक्षिण में एलिनायस से उत्तर में दक्षिणी विस्कॉन्सिन एवं मिनीसोटा तक है। चीन की बात करें तो यहाँ चीन का उत्तरी भागों में, ब्राजील में आपका मैनास, गैरास, साओ पोलो, रियो ग्रांडी, मैक्सिको में आपका दक्षिणी क्षेत्र, ठीक है, भारत में भी आपका है, ये आपके हो गए
फिरमोक गन मक्का उत्पादक क्षेत्र, कौन से मक्का उत्पादक क्षेत्र। बात करते हैं हम लोग कॉफी उत्पादक क्षेत्र, कौन से कॉफी उत्पादक क्षेत्र। कॉफी उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो इसे कहवा भी बोल देते हैं, ये आपके कॉफी उत्पादक क्षेत्र। कॉफी कहवा कजरम इथोपिया का अभिसीनियाई पठार माना जाता है। यह एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है, अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में इसकी कृषि अधिक होती है। उत्पादक कटिबंध उष्ण कटिबंधीय है, तापमान इसका 15 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर। मिट्टी इसके लिए होती है आवश्यक ढालू भूमि, लावायुक्त मिट्टी और लाल मिट्टी। प्रमुख उत्पादक देशों की बात करें क्षेत्रों की, तो ब्राजील, ब्राजील में आपका दक्षिण के साओ पोलो तथा मिनास गेरास, पराना राज्य के उत्तरी भाग, समुद्री तटीय रियो डी जेनेरो, एम्पिरियोटो सांटो राज्य, उत्तर में बाही राज्य के दक्षिण भाग कोलंबिया में। दक्षिण एशिया की बात करें तो इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, फिलीपींस में। मध्य अमेरिका में मुख्य उत्पादक निर्यातक देशों में मैक्सिको, अल सल्वाडोर, ग्वाटिमाला, कोस्टारिका आदि। अफ्रीका में आपके अंगोला हो गया, जायरे, घाना, नाइजीरिया, कैमरून, इथोपिया, कीनिया, तंजानिया प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। फिर आप बात करते हैं हम लोग चाय, किसके चाय उत्पादन के जो क्षेत्र हैं, चाय उत्पादन की विश्व के प्रमुख क्षेत्र, ये आपके चाय उत्पादन क्षेत्र हुए। चाय का जन्म स्थान चीन को माना जाता है, किसे चीन को। यह उष्णकटिबंधीय बगानी फसल है जिसकी कृषि मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में सबसे अधिक होती है। उत्पादक कटिबंध इसका उष्ण आर्द्र कटिबंध, तापमान इसके लिए 24 से 30 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है, वर्षा की आवश्यकता 125 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर की होती है। मिट्टी इसके लिए ढालू भूमि, हल्की व गहरी बलुई दोमट मिट्टी जिसमें पोटास व लोहे अंश मिश्रित हो। खाद अमोनिया सल्फेट फॉस्फेट व हड्डी की खाद इसके लिए महत्वपूर्ण रहती है। उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो चीन, भारत, भारत में जैसा आपका असम क्षेत्र हो गया, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, ठीक है प्रमुख है। केन्या, श्रीलंका में मध्य दक्षिणी पठार भाग में। चाय का सबसे बड़ा निर्यातक अब चीन है, दूसरे पर आपका भारत है, ठीक है याद रखना। बात करते हैं विश्व के प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र, ये है आपके विश्व के प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र। काला काला जो क्षेत्र दिख रहा है ये आपके गन्ना उत्पादक क्षेत्र। गन्ना की फसल के बारे में बात करें तो विश्व में कुल चीनी शक्कर चीनी उत्पादन का लगभग 60 से 70 प्रतिशत भाग गन्ने से प्राप्त होता है। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। गन्ने का जन्म भूमि भारत को माना जाता है। इसकी कृषि का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों ही क्षेत्रों में है। ताप उत्पादक कटिबंध उष्ण आद कटिबंध, इसके लिए तापमान की आवश्यकता होती है 20 से 25 सेंटीमीटर, वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर। मिट्टी दोमट मिट्टी, हल्की व गहरी चिकनी मिट्टी। खाद अमोनिया सल्फेट नाइट्रेट सुपर फॉस्फेट की आवश्यकता होती है। गन्ना उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो ब्राजील, भारत में आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। चीन में आपका यांग्त्सी, सिक्यांग नदियों की घाटी, मैक्सोमी,
प्रमुख उत्पादक देश हैं आपके, ब्राजील, भारत, चीन, मैक्सिको। बात करते हैं हम लोग तंबाकू, विश्व के प्रमुख तंबाकू उत्पादक क्षेत्र या मुख्य उत्पादन क्षेत्र हो गए, और ये आपके गौण उत्पादन क्षेत्र हो गए। ठीक है, कम जहाँ होता है बिंदु में देख रहे हैं ना, ये बिंदी, और ये आपके जैसे बिल्कुल जो काले हैं ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं या मुख्य उत्पादक क्षेत्र। तंबाकू एक उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है, यह उष्ण कटिबंध से लेकर समशीतोष्ण कटिबंध तक उगाया जाता है। इसकी निकोटिन टोबेकम किस्म की कृषि समशीतोष्ण कटिबंध में पाई जाती है। उत्पादन कटिबंध की बात करें तो उष्ण व उपोष्ण कटिबंध है, तापमान 18 से 25 सेंटीमीटर, वर्षा की जरूरत 60 से 100 सेंटीमीटर। इसके लिए मिट्टी आवश्यक होती है दोमट खनिज तत्वों से युक्त उपजाऊ मिट्टी, खाद की आवश्यकता होती है नाइट्रोजन पोटास। तंबाकू उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो चीन, चीन में आपका जसवान, चीन में आपका जैचवान हो गया, बेसन हो गया, उत्तरी मैदानी भाग और दक्षिणी मंचूरिया। ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत में आपके आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, बात करते हैं हम लोग विश्व के प्रमुख कोकोआ उत्पादन क्षेत्र हैं आपके, कौन से? कोकोआ उत्पादन क्षेत्र या आपके जो भी है कोकोआ उत्पादन क्षेत्र देखते रहिए। ठीक है, जो काले रंग से भरे हुए या फिर कोवा उत्पादन क्षेत्र। बात करते हैं हम लोग विश्व के प्रमुख मत्स्य उत्पादन क्षेत्र, विश्व के प्रमुख मत्स्य उत्पादन मत्स्य उत्पादक क्षेत्र। जलवायु के आधार पर मत्स्य क्षेत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक का आपका उष्णकटिबंधीय मत्स्य क्षेत्र में, दूसरा आपका शीतोष्ण कटिबंधीय मत्स्य क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय मत्स्य क्षेत्र हिंद महासागर, यह आपका हिंद महासागर, देखिए हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, यहां भी आपका प्रशांत महासागर लगा हुआ है। प्रशांत महासागर क्षेत्र इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उष्ण कटिबंधीय मत्स्य क्षेत्र के अंतर्गत आपका हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र आता है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में विस्तृत दक्षिण पूर्वी एशिया की द्वीप समूह सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में हेरिंग, सार्डिन, एंकोवी मछलियां प्राप्त होती हैं। यह क्षेत्र विश्व की कुल मछलियों का 10% प्राप्त करता है। मध्य अटलांटिक व पश्चिमी क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत कैरिबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ है आपकी मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ से विश्व की 4% मछलियां पकड़ी जाती हैं। मध्य प्रशांत महासागरीय पूर्वी क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत पेरू, पनामा और पश्चिमी मैक्सिको का तटीय भाग सम्मिलित है। फिर आता है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय मत्स्य क्षेत्र, इसमें आपका उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय तट क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय तट विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है। यहाँ ग्रेट फिश रिज बैंक भी आपकी है, जो आपकी प्रमुख मछली उत्पादक क्षेत्र। इसके अलावा नॉर्वे तटीय, लोफोटन द्वीप, आइसलैंड द्वीप, उत्तरी आयरलैंड व पश्चिमी स्कॉटलैंड, बाल्टिक सागर, आयरिश सागर, स्वेत सागर, बेरिंटस सागर, इंग्लिश चैनल से भी मछलियां पकड़ी जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया मत्स्य क्षेत्र आपका ये है, जापान मत्स्य, अफ्रीका मत्स्य, आपके दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील व अर्जेंटीना मत्स्य क्षेत्र हो गया ये। ठीक, यह आपका उत्तरी अमेरिका, इसमें यही आपके
पास में ग्रैंड बैंक हो गया, सेंट पेरी बैंक, सिवल बैंक, जॉर्ज बैंक, वार्न्स बैंक, यहाँ आपका यूरोप के पास ही डोंगर बैंक, ग्रेट फिशरीज बैंक, ये आपके प्रमुख मत्स्य उत्पादन क्षेत्र हैं। ये आपके विश्व के प्रमुख ऊन उत्पादक क्षेत्र, ऊन उत्पादक क्षेत्र, ऊन के बारे में आपको बता दें पहले तक। ऊन कपड़े की प्राप्ति हेतु भेड़, बकरी, ऊंट, लामा आदि से होती है इसका उत्पादन। उत्पादन की मात्रा और तो मात्रा की दृष्टि से भेड़ के ऊन का सर्वाधिक महत्व है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहाँ आपका? ये आपका ऑस्ट्रेलिया, यही आपका न्यूजीलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये न्यूजीलैंड। अर्जेंटीना, दक्षिणी अफ्रीका ऊन उत्पादक में और निर्यात की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश है। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका भी महत्वपूर्ण ऊन उत्पादक देश है। भेड़ पालन के लिए शुष्क और शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, जिसमें कि छोटी घासें उगती हैं। ऑस्ट्रेलिया के मरे डार्लिंग बेसिन में पाई जाने वाली मेरिनो भेड़ सर्वश्रेष्ठ कोटि का ऊन प्रदान करती है हमें। ठीक है, जो भी आपके काले चित्र दिख रहे हैं ये आपकी ऊन उत्पादक क्षेत्र है, यानी कि भेड़ पालन होता है। चलिए, तो कृषि व मत्स्य पालन क्षेत्र हम लोग मैप्स में देख चुके हैं, अब इनके बारे में जो आपको पॉइंट याद रखना है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। गेहूं, गेहूं विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रों में बोई जाने वाली फसल है। शीत कटिबंधों से लेकर उष्ण कटिबंध तक गेहूं की कृषि की जाती है। शीत कटिबंधों में ग्रीष्म काल में वसंतकालीन गेहूं के रूप में उगाया जाता है, उष्ण कटिबंध में या शीतकाल में शीतकालीन गेहूं के रूप में उगाया जाता है। विश्व के किसी ना किसी क्षेत्र में गेहूं की बुआई और कटाई वर्ष भर चलती रहती है। उत्पादक कटिबंध शीतोष्ण भाव उप उष्ण कटिबंध है। तापमान की बात करें तो ग्रीष्मकालीन गेहूं 20 से 26 सेंटीमीटर, शीतकालीन गेहूं 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर, वर्षा की बात करें तो 50 से 75 सेंटीमीटर इसके लिए आवश्यक होती है। और जहां कम वर्षा होती है वह क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। मिट्टी की बात करें दोमट, भारी दोमट, हल्की चिकनी काली मिट्टी। खाद की बात करें तो नाइट्रोजन, अमोनिया, सल्फेट आदि। गेहूं उत्पादक क्षेत्रों की बात करें हम लोग तो चीन में होता है। ये आपके क्षेत्र बदलते रहते हैं क्योंकि कभी कोई पहले नंबर पर आ जाता है, कभी आगे, तो आप लोगों को एक मोटा मोटा अंदाजा रखना है। उत्तरी भाग में विशाल मैदान, हांगवो घाटी, यांगटीसियांग, मेकांग नदियों की घाटी। भारत में उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब, हरियाणा, प्रथम तीन पहले थे पता है, फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब हो गया था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। वसंतकालीन पेटी में पेरिज के उत्तरी भाग में डिकोटा, मोन्टाना, मिनीसोटा व शीतकालीन पेटी में कंसास, ओक्लाहोमा, नेब्रास्का, टेक्सास, ओयो, इलिनोइस, इंडियाना, मिसौरी, कोलंबिया पठार के, कैलिफोर्निया प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र। स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल तो इसमें काला सागर के उत्तर में यूक्रेन प्रदेश, साइबेरिया के स्टेपीज प्रदेश, कैस्पियन सागर और काला सागर का मध्य भाग तथा तो पूर्व के क्षेत्र शामिल है इसमें। चावल की बात करें हम लोग, चावल एशिया की सर्व प्रमुख खाद्य फसल है, इसी कारण एशियाई संस्कृति को चावल संस्कृति भी कहा जाता है। चावल उष्ण आद्र जलवायु का प्रमुख फसल है, जिसकी कृषि सबसे अधिक मानसूनी जलवायु वाले देशों में की जाती है। चावल आपका उत्पादक क्षेत्र की बात करें इसकी तो उष्ण आद्र कटिबंध में मानसूनी क्षेत्र में, इसके लिए तापमान की आवश्यकता होती है 20 से 27 सेंटीमीटर और वर्षा की 150 से 200 सेंटीमीटर।
इसके लिए चिकनी गहरी चिकनी चिकनी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। ये आपके उत्पादन क्षेत्र हैं चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। प्रमुख उत्पादक देश चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। भारत में आपका पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, बिहार में भी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है। फिर आपका मक्का, यह मूलतः अमेरिका की फसल है। विश्व के प्रमुख खाद्यान्नों में मक्का तीसरी प्रमुख अनाजी फसल है। इसकी कृषि समशीतोष्ण कटिबंध में होती है। उष्ण कटिबंध में मानसूनी जलवायु वाले देश सबसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। प्रमुख उनके उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, मैक्सिको। प्रमुख उत्पादक देश में आपके संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, चीन, ब्राजील, मैक्सिको हो गए। ठीक। अरे आपका आगे बात करें हम लोग कॉफी कहवा। कॉफी का जन्म इस स्थान आपका इथोपिया का अबिसिनियाई पठार माना जाता है। यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में इसकी कृषि की जाती है। उत्पादक कटिबंध उष्णकटिबंधीय है। इसके लिए तापमान 15 डिग्री से 28 सेंटीग्रेड होता है। वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर तक की आवश्यकता होती है। मिट्टी ढालू मिट्टी, लावायुक्त मिट्टी और लाल मिट्टी की आवश्यकता होती है। प्रमुख कॉफी उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो ब्राजील, कोलंबिया, दक्षिण एशिया जिसमें भारत हो गया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, फिलीपींस। भारत में आपके कर्नाटक हो गया, केरल, तमिलनाडु, असम राज्य, मध्य अमेरिका और अफ्रीका। ठीक है, ये देख लेना आप लोग, आइवरी तट, अंगोला, जायरे घना, नाइजीरिया और कैमरून। फिर बात करते हैं चाय। चाय का जन्म स्थान चीन को माना जाता है। यह उष्णकटिबंधीय बागानी फसल है जिसकी कृषि मानसूनी जलवायु वाले देशों में सबसे अधिक होती है। उत्पादक कटिबंध उष्ण आद्र कटिबंध और तापमान 24 से 30 सेंटीग्रेड होता है और वर्षा 125 से 250 सेंटीमीटर तक की आवश्यकता होती है। मिट्टी ढालू मिट्टी, हल्की व गहरी बलुई दोमट मिट्टी जिसमें पोटास व लोहे अंश मिश्रित है। खाद की अमोनिया, सल्फेट, फॉस्फेट, हड्डी। ये उस बात इसके देश व क्षेत्र हो गए तो आपको बता दें, क्योंकि ये बदलते रहते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि करंट से आप लोग जुड़े रहेंगे तो इनके क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। जो इनसे संबंधित स्थायी तथ्य हैं जो बदलते नहीं हैं, उनके बारे में हम लोग अच्छे से देखते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपके चीन हो गया, भारत में आपका असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कीनिया, केन्या, श्रीलंका। ठीक है, गन्ना की बात करें तो विश्व में कुल चीनी उत्पादन का लगभग 60 से 70% भाग गन्ने से प्राप्त किया जाता है। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। गन्ने की जन्मभूमि भारत को माना जाता है। इसकी कृषि का विस्तार उष्ण व उपोष्ण दोनों ही क्षेत्रों में, उष्ण आद्र कटिबंध में इसका उत्पादन होता है। तापमान 20 से 25 सेंटीमीटर, वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर। मिट्टी दोमट मिट्टी, हल्की व गहरी चिकनी मिट्टी। खाद की बात करूँ, अमोनिया, सल्फेट, नाइट्रेट, सुपर फास्फेट। उत्पादक देश व क्षेत्र ब्राजील, भारत, चीन, मैक्सिको। इसमें आपका भारत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बात करते हैं तंबाकू। तंबाकू एक उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। यह उष्ण कटिबंध से लेकर समशीतोष्ण कटिबंध तक उगाया जाता है। इसकी निकोटिन टोबेकम किस्म की कृषि समशीतोष्ण कटिबंध में अधिक होती है। उत्पादक कटिबंध की बात करें तो उष्ण व उपोष्ण कटिबंध। तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा 60 से 100 सेंटीमीटर। मिट्टी दोमट खनिज तत्वों से युक्त उपजाऊ मिट्टी। खाद नाइट्रोजन, पोटास। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र आपके चीन, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। भारत में आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार हो गए।
पशुपालन। पशुओं की सर्वाधिक संख्या एशिया में मिलती है, या इसका लगभग 40% पशु संख्या है। सामान्य तौर से व्यापारिक पशुपालन मुख्यतः तीन उद्देश्य के लिए किया जाता है, दुग्ध के लिए, फिर मांस के लिए और ऊन के लिए। पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में पौष्टिक चारागाह विस्तृत रूप में मिलते हैं, अतः वहाँ दुग्ध व्यवसाय उन्नत है। भेड़ शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में अच्छी तरह पाली जाती हैं। बकरियों के लिए शुष्क और पहाड़ी क्षेत्र उपयुक्त हैं। सुअर खाद्यान्न प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में, विशेषकर मक्का उत्पादक क्षेत्र में पाले जाते हैं आपके सुअर। पशुपालन के लिए सैकड़ों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रेंच बनाए जाते हैं। यह विकसित अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर किया जाता है। व्यापारिक पशुपालन विश्व के पांच भागों में किया जाता है, उत्तरी अमेरिका के प्रेरी क्षेत्र व पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका का लानोस पंपास क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, न्यूजीलैंड का शीतोष्ण घास भूमि, कैस्पियन सागर के पूर्व व अरब सागर के उत्तर तक। आर्थिक व वाणिज्यिक दृष्टि से पशुपालन का महत्व निम्नांकित कारणों से, पहला आपका दुग्ध और दुग्ध प्रधान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास, शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, विस्तृत प्राकृतिक चारागाह, घास की भूमि, उत्तम नस्ल के पशु, विरल जनसंख्या घनत्व आदि ऐसे प्रमुख भौगोलिक कारक हैं जो दुग्ध व्यवसाय डेयरी उद्योग का अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं। पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दुग्ध व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। डेनमार्क, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड में प्रमुख दुग्ध व्यवसाय सहकारिता पर आधारित है। दूसरा है आपका मांस प्रधान, मुख्यतः गाय, बैल, भेड़, सुअर से मांस प्राप्त होता है। ठंडे प्रदेशों में मांस की मांग बराबर बनी रहती है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध वे मांस उत्पादन में विश्व में क्रमशः प्रथम व द्वितीय स्थान रखते हैं। ऊन उत्पादन की बात करें तो ऊनी कपड़े की प्राप्ति भेड़, बकरी, ऊंट, लामा आदि से होती है। उत्पादन की मात्रा हो तो मात्रा की दृष्टि से भेड़ की ऊन का सर्वाधिक महत्व है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना व दक्षिण अफ्रीका ऊन उत्पादक और निर्यात की दृष्टि में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका भी महत्वपूर्ण ऊन उत्पादक देश है। भेड़ पालन के लिए शुष्क और शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, जिसमें कि छोटी घासें होती हैं। ऑस्ट्रेलिया के मरे डार्लिंग बेसिन में पाई जाने वाली मेरिनो भेड़ सर्वश्रेष्ठ कोटि का ऊन उत्पादन या प्रदान करती है। फिर आपका मत्स्य क्षेत्र, जलवायु के आधार पर मत्स्य क्षेत्रों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आपका उष्ण कटिबंधीय मत्स्य, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय मत्स्य। उष्ण कटिबंधीय मत्स्य क्षेत्र में आपका हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में विस्तृत दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप समूह सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में हेरिंग, सार्डिन और इनको भी मछलियां प्राप्त होती हैं। यह क्षेत्र विश्व की कुल मछलियों का 10% भाग प्राप्त करता है। मध्य अटलांटिक का पश्चिमी क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत कैरिबियाई सागर, मैक्सिको की खाड़ी का क्षेत्र सम्मिलित है। यह विश्व की 4% मछलियां पकड़ी जाती हैं। मध्य प्रशांत महासागरीय पूर्वी क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत पेरू, पनामा, पश्चिमी मैक्सिको का तटीय भाग सम्मिलित है। फिर आपका शीतोष्ण कटिबंधीय मत्स्य क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय तट क्षेत्र। उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय तट विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र में डॉगर बैंक मत्स्य क्षेत्र सर्वाधिक मछली प्रदान करता है। यही आपका ग्रेट फिशरीज बैंक भी है, जो प्रमुख मछली उत्पादन बैंक है। इसके अलावा नॉर्वे तटीय, लोपोटन द्वीप, आइसलैंड द्वीप, उत्तरी आयरलैंड व पश्चिमी स्कॉटलैंड, बाल्टिक सागर, आयरिश सागर, स्वेत सागर, बैरेंटस सागर, इंग्लिश चैनल से भी मछलियाँ आपकी पकड़ी जाती हैं।
इस क्षेत्र में हेरिंग, कोड, हैकर्ड, स्केट, सोल, मैक्रेल, आयस्टर, सामन, टूना, पिलिस, हैक मछलियां मिलती हैं। उत्तरी अमेरिका का उत्तर पूर्व तट क्षेत्र। उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तट अत्यंत विस्तृत क्षेत्र है। इसमें न्यू फाउंडलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंध महासागरीय मत्स्य क्षेत्र आते हैं। सबसे अधिक मछली ग्रैंड बैंक से पकड़ी जाती है। इसके अतिरिक्त सेंट पियरी बैंक, बैंकवेरी बैंक, सेवल्स टापू बैंक, जॉर्ज बैंक तथा लाहेव बैंक से भी मछलियां पकड़ी जाती हैं। इस क्षेत्र में लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा के मिलने से घना कोहरा छा जाता है, जो मत्स्य उत्पादन में सहायक है। इस क्षेत्र में मैकरेल, लॉबस्टर, कोड, ऑयस्टर, हेडक, हेलीबट, मनहेवन्स, रोजफिश मछलियां पकड़ी जाती हैं। उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पश्चिमी तट। उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पश्चिमी तट बेरिंग जलडम रो से कैलिफोर्निया के तट तक फैला है। इस क्षेत्र के अंतर्गत कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, अलास्का से प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र सम्मिलित है। इस क्षेत्र की मुख्य मछली सामन है तथा कोड, फिलकोड, हेलीविट, टूना, हेरिंग मछलियां भी पर्याप्त संख्या में पाई जाती है। एशिया का उत्तरी पूर्वी तट क्षेत्र। एशिया का उत्तर पूर्वी तट क्षेत्र का विस्तार बेरिंग जलडमरू से चीन के दक्षिणी भाग तक है। इस क्षेत्र में आपका चीन, जापान, कोरिया, साइबेरिया के मछली क्षेत्र सम्मिलित है। इस क्षेत्र में शीत प्रधान उत्तरी समुद्री मेहरिंग, सामन, क्रोड, सार्डाइन, हेलीबट इत्यादि मछलियां मिलती हैं और दक्षिण के उपोष्ण सागर में बोनेटो, टूना, स्क्विड, सोल, मैकरेल, सार्क, टूनी इत्यादि मछलियां पाई जाती हैं। फिर बात करते हैं जूट। जूट अथवा अथवा पटसन ऐसे रेशे वाली फसल है जिसका उपयोग विधि विविध औद्योगिक कार्यों में होता है। जूट एक उष्ण आद्र जलवायु की फसल है जो उपोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है। विश्व का 90% से भी अधिक जूट दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी एशिया की मानसूनी जलवायु वाले देशों में होता है। इसके ताप के लिए बात करें तो यह उष्ण आद्र कटिबंधी या मानसूनी प्रदेश में पाई जाती है। तापमान इसका 27 से 37 सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। वर्षा 125 से 250 सेंटीमीटर। मिट्टी कछारी व डेल्टाई कोब मिट्टी, गहरी उपजाऊ मिट्टी। प्रमुख उत्पादक देश हो गए भारत, बांग्लादेश, चीन। कपास की बात करें तो कपास का जन्म स्थान भारत को माना जाता है। यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसकी कृषि 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच होता है। लंबे रेशे वाले कपास का रेशा 4 से 6 सेंटीमीटर लंबा, मध्य रेशे की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर, छोटे रेशे की लंबाई 2 सेंटीमीटर से कम होती है। विश्व में मध्य रेशे वाली कपास की कृषि सबसे अधिक होती है। विश्व में अमेरिकन किस्म की कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है। उत्पादन कटिबंध उष्ण व शीतोष्ण कटिबंध। तापमान 20 से 35 सेंटीग्रेड। वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर। मिट्टी चीका प्रधान, दोमट, काली व चूना प्रधान मिट्टी। खाद्य इसके लिए नाइट्रोजन, अमोनिया, सल्फेट, फास्फोरस। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं आपके चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर आपकी रबड़। रबड़ एक बागवानी फसल है। रबड़ के पौधे के रस अथवा गोंद से बना रबड़ प्राकृतिक रबड़ कहलाते हैं। रबड़ विषवतीय जलवायु का पौधा है। इसका मूल स्थान दक्षिणी अमेरिका में अमेजन की घाटी को माना जाता है। विश्व में ब्राजील का पारा किस्म का रबड़ सबसे उत्तम माना जाता है। यह आपके उत्पादक क्षेत्र हैं थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत। तो ये थे आपके प्रमुख कृषि और मत्स्य उत्पादन क्षेत्र। ठीक है, बात करेंगे हम लोग विश्व के प्रमुख परिवहन क्षेत्रों के बारे में आगे। ठीक,